नमस्कार। आज हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि जो हमारे यहाँ कोटेशन बनती है वो कहीं न कहीं सब लोग अपने अपने ड्राइव में, अलग अलग ड्राइव में बनाते हैं, या ड्राइव पे बनाते हैं, या एक्सेल में बनाते हैं, कहीं भी बनाते हैं। तो अपनी कंपनी को किसी एक पर्सन को अगर देखना है, जैसे हमारे नितिन सर को देखना होता है कि कितनी कोटेशन गई कितनी नहीं गई, तो उसको एक जगह करने के लिए मैंने एक फॉर्म बनाया है, और ये नितिन सर के कहने पे फॉर्म बना हुआ है, और इस फॉर्म के थ्रू एक इसका अपना रिस्पॉन्स शीट तैयार होगी, जिसमें लिंक लगे होंगे आपके कोटेशन के, जो हमारा अपने ये इस सिलेक्शन बाद गैलरी के जो साइट है इसके थ्रू ऊपर से देखा जा सकेगा। प्राइज एंड कैटलॉग, जैसे अभी हमने प्राइज एंड कैटलॉग का बनाया है, प्राइज एंड कैटलॉग आपको दिखा देते हैं कि ये यहाँ पे कोई भी प्राइज लिस्ट और कैटलॉग हमारे उस फॉर्म के थ्रू आती है तो हमको यहाँ ही पे अपलोड हुआ मिल जाता है। जैसे हम इसको देखना चाहेंगे तो ये टोटो की कैटलॉग हमारे सुरेश सर ने अपलोड की थी, तो जो एक ही क्लिक में हमारी कैटलॉग खुल गई। इसी तरह से हमने अपनी कोटेशन को एक जगह करने के लिए छोटा सा फॉर्म है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, और उसका लिंक भी अभी आपको शेयर भी कर देता हूँ इस व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप में, कि जिससे कि एक मिनट और कोटेज ये फॉर्म है। व्यूअर मोड में चलते हैं, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव नेम आएगा जो जिसने क्लाइंट के लिए कोटेशन बनाई है, और कोटेशन तभी अपलोड करेंगे जब हमारी कोटेशन क्लाइंट के से अप्रूव हो जाए, मतलब फाइनल कोटेशन इस पे अपलोड करना है। अगर वो फिर से फाइनल हो गई है किसी कारण पर, फिर से वो रिवीजन हो रहा है, तो हम यहाँ पे आके फिर से उस रिवाइज कोर्से रिवीजन कोटेशन या रिवाइज कोटेशन फिर से डालेंगे। उस पे बाद क्लाइंट का नाम, फोन नंबर, एड्रेस, की पर्सन, कोटेशन किस कैटेगरी का है, इसमें आप लोग जरूर मेंशन करिएगा कि प्लम्बिंग, यूटिलिटी, डब्ल्यूसी फोर्सेट, वुडन फ्लोरिंग, एक्सटीरियर, जनरल टाइल्स एंड अदर, और प्रायोरिटी में आप चूज करोगे बीआईपी नॉर्मल, क्लाइंट की इसमें कोटेशनल प्रोपोजल, ये फर्स्ट कोटेशन है। सॉरी, अभी हम आपको तो कह रहे थे कि हाँ कि लास्ट कोटेशन जो अप्रूव हो जाएगी वही, उसके बाद अगर वो फिर से रिवाइज हो रही है तो कोटेशन रिवाइज वन, रिवाइज टू, रिवाइज थ्री और या फाइनल कोटेशन के नाम से डालेंगे, और यहाँ लास्ट में हम अपलोड कोटेशन करेंगे जिसपे कि 10 MB की फाइल ये अप्रूव करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आगे इससे भी बड़ी फाइल चाहिए होगी तो उसको हम एडिट करके और भी स्पेस ले लेंगे। इसकी रिस्पॉन्स शीट आपको मैं दिखा दूं कि किस तरह से बनेगी। इसकी रिस्पॉन्स शीट इस तरह से बनेगी, जो एक ही सीट पे किसी की भी कोटेशन आई हुई है और कब गई है, किस क्लाइंट की है, वो दिख जाएगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरी इस थोड़ी बहुत बातों से आप लोग कुछ ज़्यादा ही समझ जाएंगे। इसका मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, और मे बी कि ग्रुप में आज सुबह सुबह दीपिका जी की तरफ से मैसेज भी आया था, और संजीव जी ने रिक्वेस्ट भी की है कि प्लीज सब लोग इस बने हुए फॉर्म का उपयोग करें, जिससे कि सारी की सारी कोटेशन आपके इस सेंट्रलाइज हो जाए। आपने तो शेयर भी किया है मे बी के लिए, एक बार मैं भी शेयर कर देता हूँ फिर से आप लोगों को।
तो प्लीज़ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि ये आगे से कंटिन्यू हो जाएगा। धन्यवाद।